नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श सिन्हा और आप देखना शुरू कर चुके हैं व्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं सहरामऊ रेलवे स्टेशन से पहले अंडरपास बनाया गया है, क्षेत्र जोगराजपुर बताया जाता है। अंडरपास यहां पर निर्माण किया गया है और इस अंडरपास में कई कमियां नज़र आ रही हैं। कमियों को दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी रेल संचालन बंद है। आगामी दिनों में कमिश्नर रेलवे सेफ्टी रेल संरक्षा आयुक्त का निरीक्षण होने वाला है और उसके बाद में बारी आएगी रेल संचालन की। आम जनता परेशान हो रही है, माना जा रहा है जल भराव अंडरपास के अंदर भारी मात्रा में हो रहा है। लगातार आप देखें, यह आपको हम नज़ारे दिखा रहे हैं। सामने सहरामऊ रेलवे स्टेशन की दिशा है और यहाँ से आप जब मैलानी की दिशा में बढ़ेंगे, यानी कहते हैं सहरामऊ से आउटर की दिशा में जब आएंगे आप मेन लाइन की पर, तभी आपको ये अंडरपास नज़र आ जाएगा। अंडरपास के नीचे की स्थिति आप देखें, जल भराव कितनी भारी मात्रा में है। तो और सूत्रों की माने यहाँ पर लगातार जल भराव होता रहता है। आम जनता जब नीचे से किसी को निकलना है तो उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिरकार ये क्या कारण है, सवाल ये बनता है। न सिर्फ सीतापुर मैलानी रेलखंड आप देखें कई अंडरपास बनाए गए हैं, बल्कि मैलानी शाहगढ़ की अगर हम अब बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो अंडरपास बनाए गए हैं वहाँ की समस्या यही है। वहाँ पर आपको जल भराव देखने को मिलता है और इस जल भराव पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर जल भराव हो रहा है, पहला सवाल तो यही है जल भराव क्यों हो रहा है, क्योंकि सूत्रों की अगर हम माने तो सहरामऊ के पहले ये जो अंडरपास बना इसके लिए बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो सतह है उस पर नमी काफ़ी ज़्यादा है, नमी के चलते पानी आपको अमूमन दिखने को मिलता है और बाकी जल भराव जो है वो तो हो ही रहा है। साथ ही साथ निर्माण में भी कुछ ना कुछ इसमें झोल है ऐसा सूत्र बताते हैं, यानी कि जो इसके पोल लगे हुए हैं या जिस तरह से इसका निर्माण कार्य हुआ है वो भी कोई खास सटीक तरीके से नहीं किया गया है। ये आप देखिए, कुछ लोगों को तो यहाँ पर ये जो पाथ बनाया गया है इसके ऊपर से साइकिलों को निकालना पड़ रहा है। आप देखें कितनी बड़ी समस्या है, आम जनमानस के सामने कितनी बड़ी समस्या है कि साइकिलों को इस पाथ के ऊपर से निकालना पड़ रहा है क्योंकि इतना जल भराव है कि नीचे से निकलना संभव नहीं है। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आखिरकार जो कमी है उसको पहली बात तो सही किया जाए और ये सवाल ज़रूर उठ जाता है कि आखिरकार ये कमी क्यों हो रही है। अंडरपासेस में खास करके हम देखें तो ये कमियां बहुत हैं कि जल भराव होता रहता है और जल भराव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जल भराव पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। आम लोग हैं, आप देखें कितने लोग यहां पर निकल रहे हैं, आपको नज़ारे दिख रहे होंगे, वीडियो में फुटेज दिख रही होगी, कितने लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, पैदल वालों को भी इशू हो रहा है, जो बाइक से चल रहे हैं, साइकिल से खास करके जो चल रहे हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इशू यहाँ पर फिलहाल आ रहा है और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, पूर्वोत्तर रेलवे तक पहुंचाएं, ट्विटर पर जाकर टैग करके इस वीडियो को पोस्ट करें जिससे संबंधित जो हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके और इस पर उचित कार्रवाई करते हुए जो भी समस्या है उसको ज़रूर यहां पर हल किया जाए। क्योंकि इस तरह से अगर आप देखें लगातार समस्या बढ़ेगी। फिलहाल अभी बारिश का मौसम नहीं है, आगामी महीनों में लगभग 3 से 5 महीने बाद अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको बारिश भी देखने को मिलेगी, तो बारिश में तो और समस्याएं होंगी क्योंकि तब तो नीचे से लोग निकल ही नहीं पाएंगे। जो मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं या साइकिल से खास करके निकल रहे हैं उनको तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो लोग पैदल निकलते हैं उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये दिखाना ज़रूरी है और इस चीज़ पर कार्रवाई और सही तरीके से काम होना भी ज़रूरी है। हम इस वीडियो के अंतिम छोर पर हैं लेकिन फिर भी सवाल वही उठ जाता है कि आखिरकार इतना समय देने के बाद अंडरपास का निर्माण उस पे कहने के बाद कि जनता को लाभ होगा, क्यों आखिरकार जल भराव हो रहा है और जनता को कोई खास सुविधा या फायदा नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना था कि जो कमी है उसको हम दिखा सकें। आप हमारी ताकत हैं, आप हमारे साथ हमेशा रहिए, अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। हम हर एक खबर भारतीय रेल से जुड़ी दिखाते रहेंगे, हमेशा दिखाते रहेंगे। आप सब अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।